नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे कोफोर्ज लिमिटेड के बारे में। कोफोर्ज लिमिटेड में जो है ब्रोकरेज हाउस पुलिस है जीएम फाइनेंशियल का कहना है कि 5,750 रुपये तक का टारगेट प्राइस दिए थे। और देखिए कल के दिन उन्होंने अपना रिपोर्ट निकाला और आज के दिन देखिए 175 पॉइंट अपसाइड भी है, 3.5% का अपसाइड देखने को मिल रहा है। और वो जो टारगेट प्राइस बताया उसके नज़दीक हम आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए आज के दिन टच भी कर दिया था मगर थोड़ा सा एक रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, मगर ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। दूसरा ब्रोकरेज हाउस का क्या कहना है, तो नुमारा जो कह रहा है इनका कि अभी जो है ना कोफोर्ज आने वाले दिनों में बड़े बड़े बिग डील साइन करने वाली है। उसके साथ में जो है उनका प्रदर्शन जो है काफ़ी अच्छा रहेगा और इनका टारगेट प्राइस भी उन्होंने बढ़ाया है जो कि 6,000 के आसपास का है। तो ये भी बहुत ही अच्छा न्यूज़ है जो कंटिन्यू मार्केट में न्यूज़ में ये आ रहा है। और यहाँ 3 से 4 दिन से कंटिन्यू ग्रीन कैंडल्स बना रहे हैं और अपसाइड जा रहा है। तो अभी इसमें टेक्निकल्स क्या है, तो टेक्निकल्स में देखिए इलेक्शन के बाद में ना 4,500 का इसने बेस बनाया और तब से ना एक हायर आई पैटर्न बनाते हुए इसमें अपसाइड देखने को मिल रहा है। तो देखिए इसमें प्रॉफिट बुकिंग बीच में हल्का जैसे यहाँ पर देखने को मिला ना, सेम चीज़ हमको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। जैसे ये रेड कैंडल आपको दिख रहा है ना, ये छोटा छोटा प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो एक रेजिस्टेंस लेवल है नज़दीक में 5,750 का रुपये पर। इस लेवल पे आता है ना तो थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। फिर यहाँ से जब दोबारा अपसाइड जाएगा ना तो पहला टारगेट हमारा रहेगा वो है 6,000 रुपये रहेगा, दूसरा टारगेट रहेगा 6,250 रुपये तक का अपसाइड देखने को मिलेगा। और इलेक्शन के बाद से ना इसने बहुत ही अच्छा अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिया है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग ना देखने को मिल सकता है। मगर आईटी सेक्टर में बूम है इसलिए आपको ये भी बता रहा हूँ ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग नहीं रहेगा। देखिए यहाँ पर 55 दिन के अंदर जो है 32% का रिटर्न दिया है। तो ये इस लेवल पर जब 5,650 पे आएगा ना तो कम से कम आपको 1 से 2% का ही गिरावट देखने को मिलेगा। ये मत सोचना कि इसमें जो है 10% का आपको करेक्शन मिलेगा, क्योंकि फंडामेंटली बहुत ही अच्छा है और आगे टेक्निकल्स में भी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। तो सारे कंडीशंस मैंने बताए हैं आपको। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है।